आशिया की दर्द भरी कहानी मासूम पोती पोते के लिए चलाती है ठेला। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। जिंदगी में इतना दर्द मिला पर जीने की हिम्मत नहीं छोड़ी। पहले पति को खोया, फिर 24 साल का इकलौता बेटा। वक्त इतना बुरा कि जिंदगी काली हो गई। जीना नहीं चाहती थी मगर सूनी आंखों के सामने दो पोती व एक पोता थे। मन ही मन खुद को काफी समझाया कि बेटा नहीं तो क्या हुआ, उसके बच्चे तो हैं। मासूमों को हंसता देख जन्नत में पति व बेटा खुश होंगे। इसके बाद सड़क पर कबाड़ बीना और एक एक पैसा जमा किया। अब रिक्शा ले लिया है जिस पर सामान ढोती हूँ और उसे चलाने की शक्ति मासूमों की हस्ती आंखों के सामने रखकर आती है। ये कहानी है मेरठ के रजवन में रहने वाली आशिया की। तेज रफ्तार में मालवाहक रिक्शा दौड़ाने वाली रजवन निवासी आशिया ने बताया कि जब वह गर्भवती थी तब उनके पति का निधन हो गया। पहले तो परिवार के सदस्यों ने ढाढ़स बंधकर रोटी खिलाने का वादा किया मगर कुछ समय के बाद मुंह फेर लिया। बेटा 81 को जन्म दिया मगर रोटी के लाले पड़ गए। अब कोई न ढाढ़स बंधाने वाला था, न ही रोटी खिलाने वाला। एक रुपया भी नहीं था जिससे कोई काम करती। बताया कि मजबूरन बोरी उठाकर सड़क पर कबाड़ बीनना शुरू कर दिया, जिसे बेचकर रोटी का साधन किया। दिन भर घूमने से शरीर जवाब देने लगा तो कबाड़ी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। बेटा बड़ा हुआ और मजदूरी करने लगा। इसके बाद बेटे की शादी कर दी जिससे दो पोती और एक पोता हुआ। परिवार में खुशी आने लगी, सोचा अब जिंदगी आराम से कट जाएगी। मगर किस्मत कोई गवारा नहीं था। अचानक बेटे की मौत हो गई और कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई। फिर घनघोर अंधेरे में जिंदगी उसी दौराहे पर पहुंच गई। अब जिंदगी नहीं जीना चाहती थी मगर बेटे की निशानी बतौर दो नातिन और एक नाती आंखों के सामने है जिनके लिए जीना है। इसके बाद फिर कबाड़ की दुकान का काम किया और एक एक पैसा जोड़कर माल वाहक रिक्शा खरीद दिया। अब माल ढोकर बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। बताया कि रोजाना 300 से 400 रुपए तक आ जाते हैं। बच्चे छोटे हैं इसलिए शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाती हूँ। आशिया ने बताया कि भले ही उम्र दराज हो गई हूँ मगर अपने मासूम नाती नातिन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हिम्मत और रफ्तार से माल ढोती हूँ।